असलम कैसे आप सब लोग आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और जैसे यहाँ पे आप सामान वामान की पैकिंग शैकिंग देख रहे हैं और भाई और मेरे भाभी और उनके बच्चे जो हैं वो वापस यूके जा रहे हैं और उन्हीं को हम एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे और जब ये आए थे तो तब भी मैंने जाना था तब उस दिन मेरे घर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा था तो मुझे बिल्कुल ही मौका नहीं मिला था जाने का और छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करती चलूँ पहले पहले कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा आपको इन मज़े मज़े के अब व्लॉग मिलते रहेंगे और क्योंकि दूसरे गेस्ट भी थे वो भी सब चले गए और बस इसी तरह अब रूटीन जो है थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हो रही है और अभी हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं इनको ड्रॉप करना है और इनकी फ्लाइट जो है सुबह चार पाँच बजे है और घर से हम निकले थे साढ़े बारह बजे इनको छोड़ के फिर मैं अपने घर जाऊंगी और मेरे घर भी थोड़े से मेहमान थे उनको देखना है और जब मेहमान जा रहे हैं तो हैं होते हैं तो आपको पता है बहुत ज़्यादा दिल उदास होता है तो खैर बच्चों के साथ हमारा बहुत ज़्यादा दिल लगा हुआ था कोई दिन में ऐसा नहीं है कि हम घर में बैठे और रो रोज कहीं बाहर आना जाना खाना पीना तकरीबन कि हमने बाहर से ही ज़्यादा खाया है और बहुत ही अच्छा लग रहा था दिल लग रहा था अब दिल उदास हो रहा है मेहमानों के जाने का और बस एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं अभी इनकी बोर्डिंग शोडिंग हो जाएगी और हम घर की तरफ वापस चले जाएंगे बस हम घर के लिए निकले एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि उम्र की भी फ्लैटें हैं और और भी कोई फ्लाइटों का टाइम होगा बहुत ज़्यादा रश था जिस दिन हम गए थे खैर हम घर आ गए ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग था हम बाजार गए थे कमर्शियल और चमन से हमने लिया था फ्रेश जूस और ये है जी अनार का जूस बस इतना सही मैंने क्लिप नाया था और बाज़ार में तो मुझसे बिल्कुल भी व्लॉग होता ही नहीं तो फिर उसी दिन नाइट में हम चले गए थे खैर घर आ गए थे फिर हम गए थे रात को खाना खाने और ये हमें दावत मिली थी और बहुत ही मज़े की दावत थी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की थी ये लास्ट डिनर है और उसके बाद तो घर में टिके हुए हैं और हम गए थे टीके और में इस्लामाबाद में और टाइम जो था बहुत हम लेट हो गए थे क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी लेकिन खैर हमें खाना भी मिल गया था और बैठ भी गए थे सेटिंग भी एरिया में बैठ गए थे लेकिन हमने बैठना तो बाहर था लेकिन हॉल में बैठ बैठना पड़ा बारिश की वजह से फिर हमने खाना ऑर्डर किया खाना तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर दिया था लेकिन इतना हम खा ही नहीं सके और बाकी जो था अगर बच गया था तो हम पैक करवा के घर ले आए हमने कहा जी क्यों वेस्ट करें ये घर जाके फिर दूसरे दिन चल जाएगा तो खैर हम वो खाना दो दिन चलाते रहे हैं और खाते रहे हैं एक्स्ट्रा ही ऑर्डर हो गया था तो यहाँ पे से फ़र्क बैठे हैं और ये मेरे प्यारे से क्यूटू मेरे प्यारे से गेस्ट छोटे से और इनकी फैमिली साइड पे बैठी हुई है मैं उनकी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि उन्होंने मना किया था तो इसलिए मैं नहीं बनाऊंगी और यहाँ पे जी हम बैठे हुए हैं ऑर्डर आ गया था और खाने में बहुत ही मज़े मज़े के खाने थे और बंदे तो हम बहुत कम थे लेकिन खाना बहुत ज़्यादा था तो मज़े का बहुत था बहुत ही मज़ा आया था लास्ट डिनर है हमारा तकरीबन तो डेढ़ महीने में, में हमने बहुत ज़्यादा जो है ना खाना खाया बहुत ज़्यादा दावतें खाई तो यहाँ पे जी खाना शुरू करेंगे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी क्योंकि नाश्ता ही किया हुआ था फिर हम कमर्शियल चले गए वहाँ से जूस जूस पिया फिर घर आ गए तो इसी यही था कि बाहर खाना खाना है और फिर इसी का इसलिए भूख जो है थोड़ी ज़्यादा करके गए थे कि खूब इन्जॉय करेंगे और बहुत मज़े का टेस्टी खाना था और फ़र्क भी बहुत इंजॉय कर रहे थे क्योंकि कम बाहर आ जाते आते जाते हैं और इतना इसको शौक़ नहीं है बाहर आने जाने का तो इसलिए तो बहुत अच्छा लग रहा था तो रात काफ़ी हो चुकी थी तकरीबन एक टेढ़ बज चुका था उसके बाद हम चले गए थे गुलबा ग्रीन वहाँ पे हमने जो प्लॉट लिया था वो देखने चले गए और यहाँ पे जी रबी अलावल का चाँद बहुत ज़्यादा सबको मुबारक हो और ये टिक टॉक जो है ये असल में मैं ब्लॉग में, में एडिट हो गया तो चलें कोई बात नहीं नेक्स्ट डे था फिर मैंने नेक्स्ट डे थोड़ा सा ब्लॉग बनाया और समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ थोड़ा उस दिन वाला मेरे पास कोच्त और यखनी पड़ी हुई थी तो फिर मैंने कहा चले यही बना लेती हूँ कोई समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ तो फिर नेक्स्ट डे मैंने ये बनाया और चाहते या तो छोटी सी रिक्वेस्ट करती चलूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा और बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया इन नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे तब तक के लिए अल्लाफिज़ और मैं बना रही हूँ पुलाओ और पुलाव है मेरा भी बन जाएगा बहुत ही खाने को दिल कर रहा था खैर ये दो तीन दिन बाद का है जो पहले जो था वो हमने आ, जो पहले वो जो खाना लाए थे वो भी इस्तेमाल करते रहे फिर उसके बाद का ये है तो चीज़ थोड़ी घर में पड़ी हो तो ईजी हो जाता है और बस साथ एक खीरा पड़ा हुआ था उसको मैंने काट लिया था और बस एक डेढ़ प्लेट ही बनाया था ज़्यादा नहीं मैंने बनाया क्योंकि इतनी भूख नहीं थी और जो चावल है आपको पता है ताज़े ताज़े ही अच्छे लगते हैं और ये चीज़ मेरे घर की लुक अभी फ़ाइनल लुक तो आपको नहीं दे सकी इनशल जल्दी कोई थोड़ी सी सेटिंग होगी तो फिर आपको ज़रूरत होगी और यहाँ पे जी मॉर्निंग हो चुकी थी और ये पर्दे शर्दे मैंने निकाले धोने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अल्लाफि